गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.1 चैप्टर नंबर 9 डेटा हैंडलिंग का 9.1 का हम फोर क्वेश्चन कर चुके थे, जिसमें आपको फोर्थ क्वेश्चन मैंने होमवर्क में करने के लिए बोला था ये वाली चीज़। अब हम क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 करेंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 5 भी पिक्टोग्राम के ऊपर है, जिसमें गर्ल्स की पिक्चर दी हुई है और वन पिक्चर का मतलब है वन गर्ल ऑफ पिक्चर रिप्रेजेंट्स फोर गर्ल्स, यानी एक का मतलब फोर है। तो इसमें आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसका आंसर आपको देना है। विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स, कौन सी क्लास में मैक्सिमम गर्ल स्टूडेंट सॉरी मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट है। तो मिनिमम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे है एक और एक आधा, यानी सबसे कम किस में, इसमें सब में देखिए 3-6 पिक्चर है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, इस तरह से बढ़ बढ़ के इसमें सबसे कम है। तो कौन सी क्लास होगी, वो क्लास 8। फिर इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5, ये 6 है ये 5 है। तो वो बोल रहे हैं 6 में नंबर ऑफ गर्ल्स कम है, ये आप पिक्चर देख के भी बता सकते हैं। 6 में 4 पिक्चर्स बने, इसमें 2.5 पिक्चर बने, तो 6 में कम नहीं है, 6 में ज़्यादा है। तो नो इट इज मोर, ये आप पिक्टोग्राफ देख के भी बता सकते हैं। लेकिन और डिटेल में अगर बताना है तो आप क्या लिखेंगे, 6 के कैलकुलेट करेंगे तो 6 में है 1, 2, 3, 4 पिक्चर और 4 के बराबर है 4 गर्ल्स के। तो 4 पिक्चर है तो 4 × 4 करेंगे तो 16 गर्ल्स हो गई। और 5th में 2.5 है तो 2 का तो 2 × 4 हो गया, क्योंकि एक गर्ल 4 को रिप्रेजेंट कर रही है तो 2 × 4। और हाफ का मतलब है एक पूरा पिक्चर जो है 4 गर्ल्स को रिप्रेजेंट करता है, तो हाफ पिक्चर है यानी 4 / 2 करेंगे तो 2 गर्ल्स। तो ये 2 × 4 = 8, 4 + 4 = 8 और 2 गर्ल ये तो 10 हो गए। तो आप डायरेक्ट पिक्चर देख के भी बता सकते हैं कि नो इट इज़ मोर, 6 में मोर है, या फिर आप इस तरह से भी बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7, 7th में कितनी पिक्चर है, 3, तो 3 × 4 करेंगे क्योंकि 1 पिक्चर 4 को रिप्रेजेंट कर रही है, तो 3 × 4 12 गर्ल्स। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको ये पिक्चर देखते हैं, इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, ये जो यहाँ बना हुआ है कि एक पिक्चर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपको नंबर ऑफ बल्ब दिए हुए हैं यहाँ पे पिक्चर में, और एक बल्ब का पिक्चर 2 बल्ब को रिप्रेजेंट करता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ये मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, यानी पूरे वीक डेज के बताए हुए हैं कि सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन डिफरेंट डेज इफ इन अ वीक गिवन भी होती, यानी किस तरह से सेल हुआ हर डे, कितने बल्ब सेल हुए वो बताया गया है। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे, तो फ्राइडे का अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 है, और एक बल्ब का मतलब 2 है, तो 7 × 2 कर देंगे तो हो जाएगा 7 × 2 = 14 बल्ब सोल्ड हुए हैं फ्राइडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड, तो मैक्सिमम किस डे दिन बिके थे वो बताना है। तो मैक्सिमम के लिए ये गिन लीजिए, इसमें कितने हैं 8 है और इसमें कितने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 9 पिक्चर्स है, तो 9 पिक्चर्स वाला मैक्सिमम हुए, यानी किस दिन मैक्सिमम हुए, संडे को मैक्सिमम बल्ब बेचे गए, तो यहाँ हम लिख देंगे ऑन संडे। नेक्स्ट है ऑन विच ऑफ द डेज सेम नंबर ऑफ बल्ब वर सोल्ड, कौन से दिन सेम नंबर ऑफ बल्ब बेचे गए। सेम नंबर ऑफ बल्ब के लिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ भी 1, 2, 3, 4 है और यहाँ भी 1, 2, 3, 4 है, बाकी सब डिफरेंट हैं। तो वेनसडे एंड सैटरडे को सेम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड किए गए, तो यहाँ हम लिख देंगे ऑन वेनसडे एंड सैटरडे, थर्ड वाले सी का आंसर। नेक्स्ट ऑन विच डे मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड, अब मिनिमम के लिए भी हमको वही काउंटिंग करनी है, तो सबसे कम 4 वाला ही थे, तो वो दोनों कौन से डे होंगे, वेनसडे एंड सैटरडे, दोनों दिन कम सेल हुए, तो इसका आंसर भी हम लिख देंगे ऑन वेनसडे एंड सैटरडे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ वन बिग कार्टन कैन होल्ड 9 बल्ब्स हाउ मेनी कार्टन्स वर नीडेड इन द गिवन वीक, पूरे वीक में कितने कार्टन लगेंगे इन बल्ब को रखने के लिए, अगर एक बॉक्स के अंदर एक कार्टन के अंदर 9 बल्ब्स आते हैं। तो पहले तो हम पूरे वीक के बल्ब कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43 into 2 करना पड़ेगा, क्योंकि एक बच्चे 2 को रिप्रेजेंट करती है, तो 43 into 2, तो 43 into 2 करने पे नंबर ऑफ बल्ब्स आएगा, टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स वो हो गए 86 बल्ब्स,
अब नंबर ऑफ कार्टन्स कितने नीडेड होंगे उसके लिए 86, एक में 9 आता है तो 86 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 9 जा 81 और 5 रिमाइंडर आ जाएगा बाय 9, यानी 9 में तो 81 आ जाएंगे, लेकिन फिर भी 5 बचेंगे तो एक और कार्टन हमको लेना पड़ेगा, यानी टोटल कितने बॉक्सेस लेने पड़ेंगे हमको, 10 बॉक्सेस 10 कार्टन, तो इसका आंसर होगा 10। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। इसमें आपको ऑन वेनसडे एंड सैटरडे, ऑन वेनसडे एंड सैटरडे सी और डी का आंसर सेम है, बाकी ये आपको कैलकुलेशन इस तरह से नोटबुक में करना है, ये सारा पिक्चर वगैरह बना के। फिर नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, द विलेज इन ए विलेज 6 फ्रूट मर्चेंट्स सोल्ड द फॉलोइंग नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट्स एट अ इन अ पर्टिकुलर सीजन। अलग अलग सीजन में उन्होंने इस तरह से फ्रूट बास्केट बेचे हैं और एक फ्रूट बास्केट जो है 100 फ्रूट बास्केट्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी एक पिक्चर 100 के बराबर है। जैसे यहाँ पे 4 पिक्चर है तो इसने रहीम ने 400 बास्केट्स बेचे हैं, ऐसा है। अब इस पिक्टोग्राफ को देखते हुए अगर आधा है तो 100 का है तो आधा कितना हुआ 50 का, तो यहाँ पे 50 फ्रूट बास्केट हो जाएंगे। फिर इस पिक्टोग्राफ को ऑब्जर्व करके आपको आंसर देना है कि विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट, तो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा इसका दिख रहा है पिक्चर, तो ये मार्टिन होगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी फ्रूट बास्केट्स वर सोल्ड ऑन बाय सोल्ड बाय अनवर, अनवर ने कितने बेचे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 पिक्चर दिए, तो 7 × 100 करेंगे तो 700 फ्रूट बास्केट्स पूरा लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, द मर्चेंट हैव सोल्ड 600 और मोर नंबर ऑफ बास्केट्स आर प्लानिंग टू बाय अ गोडाउन फॉर द नेक्स्ट सीजन, कैन यू नेम देम। कुछ मर्चेंट ऐसे हैं जिन्होंने 600 से ज़्यादा बेचे थे तो वो एक गोडाउन खरीदना चाह रहे हैं, तो उनके नाम लिखने, तो 600 से ज़्यादा यानी 6 पिक्चर से ज़्यादा, तो 6 से ज़्यादा इसमें हैं, इसमें हैं, इसमें हैं, इन तीनों में हैं, तो उनके नाम क्या होंगे, अनवर, मार्टिन एंड रंजीत सिंह, तो ये आपको लिख देने हैं। तो ये पिक्टोग्राफ बहुत ही ईजी होता है, देख के खाली आपको उसके आंसर लिखने होते हैं, तो ये सारा आपको नोटबुक में करना है प्रॉपरली और फिर मुझे भेजना है। थैंक यू।